एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली एक और इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जो बहुत ही चमत्कारी होती है, जिसका नाम है टर्मनेलिया चेबुला, जो कि बनती है हरड़ से या फिर हरितके से। इसके बारे में बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे। हरड़ जो होती है हमारे किचन में बहुत ईजिली पाई जाती है। दो तरह की होती है, छोटी हरड़, बड़ी हरड़। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। एंशियंट टाइम से, पुराने ज़माने से इसको बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि पेट से संबंधित बीमारियां हो गई, आँख से संबंधित बीमारियां हो गई, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, हमारी भूख को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत टाइम से यूज की जा रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि होम्योपैथी में प्रूविंग के बाद इसमें क्या सिम्टम्स निकल के आए, किन किन बीमारियों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, किस पावर में यूज कर सकते हैं, कितनी डोज में आप इसको ले सकते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। बात करते हैं टर्मनेलिया चेबुला के बारे में। इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं चेबोलिक मायरोबैलन या फिर ब्लैक मायरोबैलन। संस्कृत में इसको अभय या फिर हरितकी कहते हैं। हिंदी में इसको हरड़ या फिर हर्र कहते हैं। और इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रिटेसी। होम्योपैथी में प्रूविंग के बाद इसके अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो हमारे तीन सिस्टम पे इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिले। पहला सिस्टम है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि पाचन तंत्र, जिस पे इसके बहुत ही अच्छे एक्शन देखने को मिले। दूसरा सिस्टम है हमारा हार्ट यानी कि हमारे दिल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले। थर्ड है हमारा ज्वाइंट यानी एक्सट्रीमिटीज़ और हमारे जो जॉइंट होते हैं, हमारा जो जोड़ होता है, हमारी हड्डियाँ होती हैं, उन पर इसका असर बहुत अच्छा देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की, कि हमारे पाचन तंत्र पे इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिले और किन किन बीमारियों में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पाचन तंत्र की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि ग्लोसाइटिस हो गया, यानी आपकी जीभ में इन्फ्लामेशन हो जाए, जीभ की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर गम्स की प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो, डायरिया, डिसेंट्री, कोलिक, लीवर प्रॉब्लम्स, हर केस में इसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज किया जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले माउथ के सिम्टम्स की बात करते हैं, जहाँ पे आपको सलाइवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब लार का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगने लगे। लार बहुत बन रहा है, प्यास भी बहुत लग रही है, ठंडा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, इसके बाद भी मुँह सूख रहा है, तो इस केस में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपके गम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो जाते हैं, मसूड़े जो हैं सूज जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो उस केस में अच्छा काम करती है। साथ ही साथ माउथ से जो ब्रेथ होती है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, ऑफेंसिव ब्रेथ आने लग जाती है। जब डकारें आती हैं ऐसे पेशेंट को, तो उसमें से भी स्मेल आती है। डकारें जो होती है सुबह के टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार खाली डकारें आ रही हैं, कई बार ऐसे लगता है कि खट्टा खट्टा कुछ भर के आ रहा है, खट्टी डकारें आती हैं। साथ ही साथ इसकी टंग जो होती है बहुत ज़्यादा लार्ज फ्लैबी हो जाती है, टंग का जो टिप होता है वो ब्राउन कोटेड हो जाता है, टंग बहुत सोर हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, यानी ग्लोसाइटिस के सिम्टम्स में इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें पेट दर्द की शिकायत भी देखने को मिलती है, पेट दर्द बहुत रहता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, गैस बनती रहती है और पेट में जलन रहती है। साथ ही साथ नीचे जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड रहता है, बहुत ज़्यादा फूला फूला सा रहता है, और वहाँ से बहुत अजीब अजीब से गुड़ गुड़ की साउंड आती रहती है, तो ऐसे केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ आपको पेट में दर्द रहेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में यानी यहाँ पे पेट के रीजन में आपको दर्द रहेगा। इसके अलावा आपको लीवर के रीजन में भी थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, लेकिन जब वहाँ पर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आपको आराम मिल जाता है, तो ऐसे केसेस में भी इसका अच्छा रिजल्ट होता है। इसके अलावा अगर इसके मोशन की बात करें तो इसका मोशन, चाहे आपको डायरिया हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर नॉर्मल मोशन भी अगर हो, डिसेंट्री हो, कुछ भी हो, सब में इसका मोशन जो है बहुत स्टैंटी रहता है, बहुत थोड़ा ही मोशन आता है, बार बार मोशन जाने का मन करेगा लेकिन मोशन बहुत थोड़ा आएगा और बहुत ताकत लगाने पर आता है, कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, बार बार मोशन जाना पड़ता है। जब डायरिया के केसेस में भी यही होता है, थोड़ा ही मोशन आएगा, कई बार उसके साथ म्यूकस भी आता है, लेकिन
बहुत थोड़ा सा मोशन पास होता है, रेक्टम में बहुत ज़्यादा फुलनेस सी फील होती है और इचिंग फील होती है। साथ ही साथ अगर इस पे कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के केस में भी बहुत स्मॉल अमाउंट में ही मोशन पास होता, हार्ड मोशन पास होता है, बहुत स्कैंटी रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं अगर आपको, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, मोशन अच्छे से पास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्कैंटी मोशन होता है, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन भी इसका बहुत स्कैंटी रहता है, बहुत स्कैंटी यूरिन रहेगा, लेकिन रात में जो होता है फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है, यानी रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये हो गया इसके प्रॉपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी पाचन तंत्र के सारे सिम्टम्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके हार्ट के सिम्टम्स के बारे में। तो हार्ट के सिम्टम्स में क्या एक क्लैरिटी देखने को मिलती है कि एक तो कार्डियक रीजन जो होता है, आपका हार्ट का रीजन है, वहाँ पर प्रेसिंग सा पेन होता रहता है, डल प्रेशिंग पेन रहता है। साथ ही साथ इसमें लेफ्ट साइडेड पेन होने की जगह राइट साइडेड में पेन रहता है, राइट साइड चेस्ट में एकदम प्रेसिंग पेन होता रहता है। पेन के साथ साथ इसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलती है, कभी तो हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल रहती है, कभी बहुत ज़्यादा फीबल हो जाती है, धीमी हो जाती है, और कभी एकदम से बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। इसकी पल्स भी ऐसी होती है, कभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, कभी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और कभी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके पल्स जो है इरेगुलर रहते हैं, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, आपको बीपी रहता है, तो इन सब केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर इसके जॉइंट के सिम्टम्स की बात करें, जोड़ों में दर्द की बात करें, हड्डियों में दर्द की बात करें, तो इसमें कमर दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कमर में दर्द रहता है, स्पेशली राइट लंबर रीजन में और लोअर बैक में दर्द रहता है। और ये दर्द जो है जब इंसान बैठा रहता है तो उस टाइम पे बहुत बढ़ जाता है, लेट जाने पे, सो जाने पे, कुछ खा पी लेने पे ये दर्द कम हो जाता है। ऐसे केसेस में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें बैक ऑफ नेक में भी पेन देखने को मिलता है, यानी सर्वाइकल के केसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको बैक ऑफ नेक में पेन रहता है, साथ ही साथ आपको वर्टिगो यानी चक्कर की प्रॉब्लम है, सुबह शाम आपको हमेशा चक्कर आते रहते हैं, चक्कर के साथ साथ आपका जो है चक्कर की प्रॉब्लम जो होती है जब भी गर्मी ज़्यादा लगती है या सन एक्सपोजर हो जाता है, ऐसे में बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर कोई सोचे कि आपका सर दर्द हो रहा है उसको दबा दे, तो इससे भी आपको चक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे केस में यूज कर सकते हैं। चक्कर में आराम कैसे आता है, जब आप ठंडे पानी से नहा लेते हैं, ठंडी हवाएं लगती हैं, कुछ खा लेते हैं, ऐसे केसेस में आपको चक्कर में आराम आने लग जाता है, ऐसे केसेस में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें राइट डेल्टॉइड मसल में, यहाँ हाथ में अगर आपको राइट डेल्टॉइड ये मसल जो होती है इसमें दर्द हो रहा हो, ऐसे केस में बहुत ही स्पेसिफिक होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ आपको इचिंग भी रहती है, इचिंग में जब आप स्क्रैच करते हैं, खुजलाते हैं तो आराम मिलता है, तो ऐसे केस में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो लाइक अदर इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन, इसको भी हम मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादा यूज करते हैं, आप इसको 10 से 15 ड्रॉप अपने सिम्टम के हिसाब से आधे कप पानी में ले सकते हैं दिन में 2 बार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको 3x, 6x और 30 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है, सब में ही इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, टर्मिनेलिया चेबुला के बारे में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपकी कोई क्वेरी सजेशंस कुछ भी हैं तो कमेंट में जरूर से ज़रूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगी मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।